कैसे हैं आप लोग। आप सभी को नया साल मुबारक हो। आज हम कृषि के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा राज्य भारत में कौन सा फसल सबसे अधिक उत्पादन करता है, किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है कृषि के क्षेत्र में, एक एक करके हम पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस सभी वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते काहे नहीं है भाई, इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, एक दो गो व्यू आता है, थोड़ा सा मेरा भी व्यू बढ़ाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, मेरा भी भला हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कृषि से संबंधित एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ जो मेरे प्लेलिस्ट पर है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। यह मेरा दूसरा वीडियो है कृषि से संबंधित। आज हम शुरू करेंगे चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, चावल उत्पादन में किसका क्षेत्रफल अधिक है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए इसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। चावल, भारत में चावल के अंतर्गत 47% क्षेत्रफल एरिया है जो भारत में कृषि होता है, उसमें चावल 47% भागों पर होता है। बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, कितना प्रतिशत पर होता है, 47% पर। तापमान कितना चाहिए, तो 25 सेल्सियस जो है तापमान चाहिए, 20 से लेकर 25 सेल्सियस तक अगर तापमान है तो धान जो होता है उसके लिए उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। वर्षा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, क्योंकि फसल होने के लिए पानी तो चाहिए ना, तो वर्षा जो है उसके लिए माना गया है कम से कम 150 से सेंटीमीटर तक पानी जो है होना चाहिए सीमित, तभी जाके जो है धान की फसल अच्छे ढंग से हो सकती है। उत्पादन में कौन कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पे है, तो पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादन करता है, फिर उत्तर प्रदेश करता है और फिर पंजाब करता है सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन। क्रम से पूछता है कभी कभी कि चावल उत्पादन करने वाले राज्य पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर पंजाब। अब क्षेत्रफल में, एरिया में भी बार बार पूछता है, तो एरिया में क्षेत्रफल में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे छत्तीसगढ़। देखिए एरिया, क्षेत्रफल में और उत्पादन में अंतर हो गया। जहां क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जो है इसके अंतर्गत, चावल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है, लेकिन उत्पादन में पश्चिम बंगाल का क्षेत्र आता है, इसको आप याद रखिएगा। अब विश्व में कौन करता है, तो सबसे ज्यादा चाइना करता है, चीन करता है, बार बार एग्जाम में आता है। दूसरे स्थान पर भारत का स्थान आता है, यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब गेहूं है, चावल के बाद भारत में सबसे ज्यादा गेहूं होता है, तो गेहूं के अंतर्गत कितना तापमान होना चाहिए, आइए उसको देखते हैं। तापमान होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच जो है इसका तापमान होना चाहिए, तभी गेहूं में अच्छी बाली जो है आ पाता है, यानी अच्छा गेहूं होता है। वर्षा भी होना चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा जरूर होना चाहिए, तभी जाके अच्छे ढंग से गेहूं की खेती हो सकता है। क्षेत्रफल में, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल है, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में आता है और तीसरे स्थान पे पंजाब। मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र पर, एरिया पर अगर गेहूं की खेती होती है तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद पंजाब में। लेकिन उत्पादन की बात आए तो यहां उत्पादन में भी सेम है, पहले स्थान पे जो है उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश हो गया है और तीसरे स्थान पे पंजाब हो गया है। यह 2022-23 का जो डाटा है भारत सरकार का, जो हर साल जो है सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है, तो कृषि में, खनिज में जो है उतार चढ़ाव राज्यों में देखा जाता है, तो उसके अनुसार ये डाटा है। पहले जो है उत्तर प्रदेश उत्पादन में पहले स्थान पर था, दूसरे स्थान पर पंजाब था, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब जो है पंजाब के स्थान पर जो है मध्य प्रदेश का स्थान आ गया है। विश्व में सबसे ज्यादा चीन करता है और दूसरे स्थान पे भारत का है, इसको भी याद रखिएगा, बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। उत्पादन, क्षेत्रफल,
विश्व में, उसके बाद कितना तापमान होना चाहिए, कितना क्षेत्रफल होना चाहिए, कितना वर्षा होना चाहिए, ये सब बार बार जो है पूछा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कपास का। तो कपास के लिए तापमान 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक होना चाहिए। मैक्सिमम 30 डिग्री से अधिक जो है तापमान नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस से। वर्षा जो है 70 सेमी होना चाहिए, इसको वर्षा कम चाहिए कपास के लिए। पाला नहीं होना चाहिए, कपास की खेती के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए कहा गया है पाला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा काली मिट्टी में अच्छे ढंग से होता है कपास की खेती, इसे जो है श्वेत सोना, व्हाइट सोना भी कहा जाता है महाराष्ट्र, इसको भी याद रखिएगा, सफेद सोना भी इसको कहा जाता है। क्षेत्रफल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर गुजरात में है, और तीसरे स्थान पर जो है तेलंगाना में है। उत्पादन लेकिन गुजरात सबसे ज्यादा करता है, यह भी याद रखिएगा। दूसरे स्थान पे तेलंगाना है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र। देखिए क्षेत्रफल में जहां महाराष्ट्र का स्थान कपास की खेती करने में सबसे अधिक आता है, लेकिन वही उत्पादन की बात आती है तो गुजरात का स्थान आ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक महाराष्ट्र, और काली मिट्टी में ही कपास की खेती होती है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखेंगे सबसे अधिक तो गुजरात में है। उसके बाद पहले आता था महाराष्ट्र उत्पादन में, अब आ गया है तेलंगाना 2022 के डाटा के अनुसार, और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र खिसक गया है उत्पादन में। क्षेत्रफल में अभी भी प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र ही है, तो इसको याद रखिएगा। यहां से बार बार पूछता है कि कपास के लिए कैसा होना चाहिए आकाश, तो साफ होना चाहिए, पाला रहित होना चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए क्योंकि यह फसल को नुकसान देता है। सबसे ज़्यादा कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी है महाराष्ट्र। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो गुजरात, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, देशज फसल है, याद रखिएगा देशज फसल है। उसके बाद आता है जूट। जूट उत्पादन के लिए तापमान होना चाहिए 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस जूट के लिए, ठीक है। वर्षा होना चाहिए 100 डिग्री से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। उत्पादन जो है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल करता है, उसके बाद बिहार है, और तीसरे स्थान पे असम का स्थान आता है। क्षेत्रफल भी पश्चिम बंगाल के बाद बिहार और फिर असम, मतलब यहाँ पे उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों बराबर देखने को मिल रहा है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर बिहार और फिर असम। क्षेत्रफल में भी वही बात है, सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम। 60% उत्पादन जो है अकेले भारत जो है जूट का करता है, और सबसे अधिक उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल करता है। बिहार में भी कटिहार और पूर्णिया में जो है बड़े पैमाने पर कपास की खेती होता है, याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब है गन्ना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो गन्ना उत्पादन में भी तापमान 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा जो है 150 सेमी के बीच होना चाहिए, और उसके अलावा पाला गन्ना में भी हानिकारक होता है, इसलिए पाला नहीं होना चाहिए। वो देखते हैं ना, ज्यादा ठंड पड़ने पर पत्ता सिकुड़ने लगता है, उसे वो कहते हैं पाला, अधिक ठंडा के कारण ऐसा होता है। अब उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है, उसके बाद कर्नाटक। गन्ना चीनी नहीं, चीनी में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे आ जाता है, और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, और कर्नाटक तीसरे स्थान पे। जहां गन्ना उत्पादन की बात हो वहां उत्तर प्रदेश, और जहां चीनी उत्पादन की बात हो वहां पे महाराष्ट्र। अब क्षेत्रफल में आइए, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। कारण होता है कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना होता है वह पतला होता है, जबकि महाराष्ट्र का जो गन्ना होता है वह मोटा होता है, यानी यहाँ का पतला और महाराष्ट्र का जो है मोटा होता है, इसी कारण ज्यादा उसमें रस निकलता है, और उत्तर प्रदेश वाले गन्ने में कम रस निकलता है। क्लाइमेट का भी असर है, मिट्टी का भी प्रभाव है, तो इसको आप याद रखिएगा। सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग जो है दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है, जो रोजगार भी ज़्यादा प्रदान करता है और राजस्व भी, यानी डॉलर भी आता है। उसके बाद चीनी उद्योग है।
यूपी को शक्कर का कटोरा कहते हैं, बार बार एग्जाम में पूछता है किसको शक्कर का कटोरा कहते हैं, तो यूपी को शक्कर का कटोरा कहते हैं। एग्जाम जब पूछता है तो मात पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, अरे किसको शक्कर का कटोरा कहते हैं। सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ना का उत्तर प्रदेश करता है, लेकिन चीनी उत्पादन जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र करता है, कह रहा है शक्कर का कटोरा, लेकिन भाई यूपी को ही शक्कर का कटोरा कहा जाता है, महाराष्ट्र को नहीं कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है चाय, यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाय के लिए तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। चीनी के चीन जो है वह सबसे पहले चाय की शुरुआत किया था, यानी वहां पे उत्पादन शुरू हुआ था चाय का। भारत में ब्रिटिश के द्वारा चाय को जो है लाया गया था, क्योंकि ये नगदी फसल है, पैसा देगा, तो किसानों से जो है जबरदस्ती जो है असम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में, तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी के पास कराया गया था। अब है विश्व में जो है पहले स्थान पे चीन ही करेगा, भाई वहीं का फसल है तो चीन ही करेगा। दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे श्रीलंका का स्थान आता है। इसको भी पाला नहीं चाहिए, अगर पाला अगर रहेगा, ज़्यादा ठंड रहेगा तो चाय की पत्ती सिकुड़ जाएगा। अब उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा असम ही करेगा, सीधी सी बात है। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पे तमिलनाडु। क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा जो है असम में ही है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। अब प्रश्नों को भी देखना है, क्योंकि हमने यहां से पढ़ लिया कौन सा उत्पादन, कौन कितना वर्षा, कितना तापमान, कौन सा क्षेत्रफल में है, कौन सा उत्पादन में है, कौन सा देश है, तो भाई यहां से क्वेश्चन भी कैसे पूछेगा यह भी जानना जरूरी है ना मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन भी वहां से आना चाहिए एग्जाम। चलिए क्वेश्चन को भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितना प्रतिशत पर चावल की खेती होता है, तो 47% पर चावल की खेती होता है। ठीक है, चलिए इसको हम इस तरह सही करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। अभी अभी हम बताए हैं पश्चिम बंगाल है प्रथम स्थान पे। गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश करता है, सीधी सी बात है। कपास का उत्पादन सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है, तो गुजरात करता है कपास का उत्पादन। ठीक है, अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, पश्चिम बंगाल है। चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है जो प्रथम स्थान पे है, चीनी गन्ने का नहीं, तो महाराष्ट्र। चाय का उत्पादन कौन राज्य सबसे अधिक करता है, तो असम करता है भारत में, और विश्व में जो है चीन करता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पहले पढ़ा के उसके बाद उसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो इस बात को आप याद रखिएगा और लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, पार्ट बाय पार्ट पढ़ाऊंगा। अभी मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू किया है, हिस्ट्री भी एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी चलता है, तो किसी दिन हम दोनों वीडियो डाल देते हैं, किसी दिन एक वीडियो डालते हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं ट्रिक के आधार पर, उस वीडियो को भी आप देखिए, फायदा जरूर करा देंगे एग्जाम में, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे जो भी एग्जाम 2023 में होगा आपको मेरे वीडियो से जरूर फायदा होगा। थोड़ा सा देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, घंटी भी दबाइए, हाँ दोस्तों को भी भेजिए, और नोटिफिकेशन पर जाके आप भेजिए। मैंने पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा कि सर पढ़ाने के दौरान कुछ क्वेश्चन को भी आप करा दीजिए, तो देखिए आज हमने पहले इसको पढ़ाया और फिर मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया। कम से कम क्वेश्चन कराने से पता तो चलेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।